नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छा हूँ। और चलिए आज मेरा न्यू वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले अभी हम चल रहे हैं नाश्ता बनाने, तो नाश्ते में क्या क्या हम बना रहे हैं आपको हम दिखाएंगे। और तब तक आप लोग मेरे साथ बने। और ये सोयाबीन का सब्जी मेरा छोटा वाला बाबू को सोयाबीन पसंद है, मतलब दोनों को सोयाबीन पसंद है। बाकी इसको बोला है मम्मी हमको खाली सोयाबीन का सब्जी चाहिए, तो इसको हल्का मसाला देकर के उसके लिए बना देते हैं। और हम लोग अपने लिए देखिए क्या काटे हैं, आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा ये क्या चीज़ है। और ये हम आप लोगों को दिखा भी गए हैं, बहुत बड़ा हमारे घर आया है। और ये देखिए, और आप लोग भी इसका सब्जी पसंद करते हैं तो ये बताइएगा लोग। और बहुत अच्छी होती है इसका सब्जी और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि पहले लोग बताते थे जी ये सब बहुत सारा ये सब दवाई में भी कमी आती है। तो इसका सब्जी बना रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ये भूरा भूरा देख रहे हैं तो लाही नहीं होता है, लाही सट गई है तो इसको छील लेने पर निकल जा रही है। और दीदी कितना सलाम रखते हैं देख रहे हैं। तो और चलिए, तो और इधर आलू मार्केट से मंगाए हैं और प्याज, और चल रहे हैं अभी सबको काटेंगे। आलू बॉयल करके भी हम रख चुके हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए आलू बॉयल करके रख चुके हैं। और तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और आप लोग एक चीज़ हमको बताइएगा लोग, ये सहजन का जो सब्जी हम बना रहे हैं वो आप लोग जीरा मिर्च में बनाते हैं क्योंकि सरसों में अच्छा है, क्योंकि हम जीरा मिर्च प्याज में बनाते हैं, इसलिए सरसों में अच्छा वाला अच्छा लगता है। वैसे ये होती है ये गैस बहुत ज़्यादा सरसों में अच्छा पेट में बना लेता है, तो हम सरसों में अच्छा वाला नहीं बनाते हैं। और जीरा मिर्च वाला बहुत स्वादिष्ट चीज होता है, तो हम जीरे मिर्च वाला बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये प्याज भी हम काट रहे हैं, इधर सोयाबीन में फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। हम विनेगर में सोयाबीन की सब्जी सबको पसंद है, सब पसंद करते हैं क्योंकि इससे किसी में बहुत अच्छा लगते हैं, तो सबको पसंद करता। पहले हम लोग खाते थे बाकी अब हमको भी अच्छा लगता है। ये पहले हमको खाने के बाद में लोग इसको खाते हैं, एक हफ्ते से अच्छे करते बहुत टाइम लगता है खाना खाने में, तो अब करते हैं सबको चला करके हम खा लेते हैं। तो अब हम प्याज काट लेते हैं। देखिए बाबू ब्रश करो, जल्दी जल्दी ब्रश कर लो। दो से प्याज कटे हैं, प्याज इतना खराब आ रही है, इतना खराब इतना महंगा हो गया है प्याज और आलू, क्या बताया जो इसी घड़ी आलू फोन करके निकलती है और इसी घड़ी आलू मांगना। और चलिए जब सब्जी फ्राई हो रही है तब तक हम सेब के छिलके काट देते हैं, इसलिए जो सेब बहुत सारा खराब है तो इसको देख के हम काट के रख देते हैं, जो बच्चे लोग ब्रश कर करके खा लेंगे। और छिलका भी उतार देते हैं, छिलका उतार खाने पर अच्छा रहता है, इसे छिलका एकदम फुसफुस जाती है, इसलिए हम छिलका भी उतार देते हैं। कभी भी हम किसी को भी सेब काट के देते हैं तो छिलका उतार देते हैं, बिना छिलका उतर ले नहीं देते, क्योंकि इसका छिलका हार्ड होती है। ये तो अच्छा है, क्या नहीं खाएगा देखो ये। तो काट के या नहीं ब्रश नहीं किया, कुछ खाया नहीं, टॉफी खा रहे हो, अटकवे करेगा, ये सब गंदा आदत है ना।
इतना गर्मी हो रही है जिस सब पेट में सबको गैस बन जा रहा है एकदम। सोया है उसका आंखें नहीं खुल रहा है। 3 बजे का अलार्म लगा के सो गया था, 3 बजे जगा रहे तो जग ही नहीं रहा है। आप लोग का खाना है तो बताइए लोग, क्योंकि हम सब छिल रहा है और यहाँ मेरा सब्जी फ्राई हो रही है। आप लोग देख सकते हैं ये सब्जी कैसा दिख रहा है। और चलिए फ्रेंड इधर सहजन का मेरा सब्जी बन गया। आप लोग देख सकते हैं कटोरा में हम धनिया चुके हैं और इधर अब कढ़ाई चढ़ाए हैं सोयाबीन और 2 आलू डाल करके बना देते हैं। अब इससे लोग खाएंगे और यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक बाय। और लाइक सपोर्ट शेयर किया कीजिए लोग, हमको भी अच्छा लगे।